जनपद बिजनौर के रायपुर थाना क्षेत्र के जोगीरामपुरी में हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं ने जबरन पुराना शिव मंदिर पर माइक लगाए और प्रशासन मूकदर्शक बना रहा। गांव वालों का कहना है कि जोगीरामपुरी में हिंदू मुस्लिम दोनों ही समाज के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। पुराना शिव मंदिर मुस्लिम बस्ती में स्थित है, जिसके रहते गाँव के ही दोनों समाज के लोग ने आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए मंदिर पर माइक न लगाए जाने का फैसला लिखित रूप में किया था तथा इसकी सूचना प्रशासन को भी दे दी गयी थी, लेकिन इसके बाद भी हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में जोगीरामपुरी पहुंच शिव मंदिर पर जबरन माइक लगा डाले, जिसका गांव के लोगों ने विरोध किया। लेकिन इतना सब कुछ होता देख प्रशासन मूक दर्शक बना रहा और किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की। जब उन लोगों ने माइक रखा, दो लड़के उनके चढ़े ऊपर, चार बंदूक लेकर नीचे खड़े हो गए, तमंचे उन लोगों के हाथ में थे। पुलिस फोर्स इतनी तैनात थी कि हम क्या कर सकते हैं, पुलिस फोर्स ने सबने देखा, सबने सामने थे वो लोग, ये बीजेपी की तमंगे ही कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। ये मुसलमानों के साथ अत्याचार है और कुछ नहीं है। 400 साल पुराना मंदिर, कोई माई का लाल कोई हिंदू भी बता नहीं सकता। मैं बस तो हिंदू भी नहीं है, सब मुसलमान है, सारे मुसलमान ही जाके ट्राई कर लिया, हम झूठ नहीं रहे। जाइए आप वहाँ मंदिर के पास में पूछिए किसी का मकान है, वो बताएंगे लोग। मंदिर भी मुसलमान ऐसा नहीं है, 400 साल पुराना मंदिर, कुछ लोग बीजेपी की सरकार आती है, सब तमंगे ही है और कुछ नहीं है। हमारा सभी के अनुरोध है, संस्कृति का हम लोग नहीं चाहते, धर्म के अपने धर्म का पालन करते बिना किसी परेशानी अपने धर्म का पालन, भारत संस्कृति बड़ी संस्कृति है, लेकिन संस्कृतियों का पालन करना ही पालन करना धर्म है। तो हम लोग चाहे मुस्लिम अपने धर्म का पालन करें, हिंदू अपने धर्म का पालन करें, जैन समुदाय उसी के तहत आगे, लेकिन बीच में पहले जो रही है, जो पुष्टि होने वाली सरकार रही है, उन्होंने यहाँ माइक उठा, किसी जनभावना से खेलने का किसी कोई हक नहीं है। यहाँ कोई भी जो तीर्थस्थल में सिया है, मैं उनको ही मानता हूँ, मेरे पूजनी है सभी तीर्थस्थल में पूजनी है, और भारत संस्कृति हमेशा जो है भाईचारे की समिति रही, भाईचारे की आज माइक लगे इसका कोई विरोध हुआ नहीं? कोई विरोध तो इतने भारी मात्रा में पुलिस का आना, एसडीएम का आना, सीओ का सबका आना, पुलिस इसलिए पुलिस प्रशासन जहाँ भी भीड़ होगी, जहाँ भी होगा, प्रशासन की एक व्यवस्था होती कि वहाँ कोई अचानक तक ऐसा ना हो। ये जो सपा सरकार में केवल कुछ निकल के केवल जो मंदिरों के माइक उठवाए गए, लेकिन आज तक कभी भी भाजपा सरकार में कोई भी यहाँ का कोई भी धर्मावलंबी कोई ये नहीं कह सकता कि किसी प्रशासन, अगर आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी उनका कितनी बढ़िया होकर चलती है, सबको साथ देखिए। माइक 24 घंटे चलेगा या सिर्फ खास खास? नहीं, केवल पूजा के लिए 24 घंटे नहीं चलेगा। अच्छा, जैसे मुस्लिमों के उसमें अजान होती है, अजान के वक्त चलेगा? अजान का अपना टाइम है, उसका अपना टाइम है। अच्छा, अजान दीजिएगा, अजान दीजिएगा, अजान से हमें वो भी हमारे लिए पूछती है, वो भी हर धर्म हमारे लिए पूछती है। जैसे चल रहा है चलेगा, माइक सब माइक जहाँ लगे हुए तो वहाँ माइक लगवाए जाएंगे। इससे पहले कई मतलब मुद्दा उठा है, क्योंकि मंदिर जो है मुसलमानों के बीच में है, तो इससे पहले भी कई मतलब फैसला हो चुका है, हमारे पास लिखित रूप में है, लेकिन चूंकि अब बीजेपी सरकार है, वहाँ कुछ प्रशासन के लोग आए जबरदस्ती आकर के, बाहर के लोग बुला करके इन्होंने ये काम कराया है। यहाँ जो है हिंदू मुसलमान जितने वो मुसलमान और दूसरे जो शिया लोग हैं वो सब एक हैं यहाँ पर, और ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो है मुसलमानों के बीच में होने की वजह से माइक ना रखा जाए। हमने अपने लोगों को समझाया है और अपने लोगों को समझा करके ये किया कि हम झगड़ा नहीं करेंगे, प्रशासन जो कर जा करने को, हम कानून से लड़ेंगे जो लड़ना है। आप कानून की लड़ाई लड़ेंगे? कानून की लड़ाई लड़ेंगे हम, वैसे लड़ाई लड़ेंगे। पहले भी आपने इसके बारे में कानून की लड़ाई लड़ी? कानून की लड़ाई लड़ी है हमारे पास, उसके बाद बाकायदा हमारे पास सबूत है, हमारे पास कागजात है, इन लोगों का फैसले नामा भी है हमारे पास, इनके दस्तखत भी है इसके ऊपर। अभी उन्होंने जो है बहुत असलाह वगैरह ला करके और जहाँ के लोग बाहर के लोग बुला करके उन्होंने किया है, लेकिन हमने बात कह दी अपने लोगों, इनके पास में असले थे जी, वहाँ है जो है वहाँ है अभी मौजूद है, अगर वहाँ जा करके देखेंगे लोग तो है वहाँ पर, वो लोकसभा भी तैयारी से आ रहे थे। शुक्रिया।